तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अयाज गोरखपुरी साहब का नाम मुझे पेरिस में नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मेज़बान है, तजम्मुल भाई, जमील भाई, नौशाद भाई और हमारे लईब भाई, ये मेहमानी क्या होती है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक मेज़बान मेहमानों के साथ खाना नहीं खाए बात अधूरी रह जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेज़बान कुछ कम खाता है, मेहमान को ज़्यादा खिलाता है। तो मैं मेज़बानी का फ़र्ज अदा करने के लिए जनाब अयाज गोरखपुरी साहब को दावत सुखन देता हूँ और ये शेर पढ़ता हूँ उनके लिए कि अपने ही लोगों से तरदीद हुई है अपनी, वरना हर सिंह से ताईद हुई है अपनी। और इसी शेर की तरदीद होती है कि कितने मुँह बोले खुदाओं का भरम तोड़ा है, तब कहीं जाके ये तौहीद हुई है अपनी। जनाब अयाज गोरखपुरी साहब भाई, अगले नामी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं दाई नकाश साहब, जिन्होंने इस मुशायरे को सही मानों में बांध के रखा। बड़ी अच्छी नजामत बुरहानपुर से बम्बई तशरीफ लाए श्री साहब, और उन सभी की मोहब्बत में मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज उर्दू अदब में एक काबिल नाजिम, वरना नाजिम जो है आजकल सिर्फ सिवाय चापलूसी के कुछ नहीं करते, जो अदब की सही मानों में तर्जुमानी भी करता है। दो तीन शेर बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों को भी सुनना है, आप हज़रात को भी सुनना है। अर्ज किया है कि फिर समा भीग उठा, आँख से आंसू निकले, फिर समा भीग उठा, आँख से आंसू निकले, जख्म के फूल खिले, याद के जुनून। फिर समा भीग उठा, आँख से आंसू निकले, जख्म के फूल खिले, याद के जुगनू निकले। और ये बहुत बड़ा नाजुक शेर है, समाज करें इसको कि एक जमाना हुआ सांसों से तुझे गुजरे, एक जमाना हुआ सांसों से तुझे गुजरे हुए, दिल से अब तक तेरी रफ्तार की खुशबू निकली। एक जमाना हुआ सांसों से तुझे गुजरे हुए, दिल से अब तक तेरी रफ्तार की खुशबू निकले। और सभिया बाजी ये शेर देखें आप, कि काश ऐसा हो किसी शब्द के नजर आए ना चांद, काश ऐसा हो किसी शब्द के नजर आए ना चांद, चांद जिस सिंत निकलता है उधर तू निकल। काश ऐसा हो किसी शब्द के नजर आए ना चांद, चांद जिस सिंत निकलता है उधर तू निकले, फिर समा भीग उठा, आँख से आंसू निकले, जख्म के फूल खिले, याद के जुनून निकले। बस बहुत बाप का इल्म ना बेटे को अगर असर हो, बाप का इल्म ना बेटे को अगर असर हो, फिर पिसर लाए थे मीरा से पिदर क्यों कर हो। मोहतरम जनाब अयाज गोरखपुरी साहब ने बहुत खूबसूरत गजल पेश किया।